नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरी सिंगल वन ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है हमारे 10:15 या 10:30 वाले सेशन में, जो कि अब 10:30 हो चुका है आज, जहां पे हम बात करते हैं पेपर नंबर 1 हायर एजुकेशन की। इससे पहले कि मैं चीज़ें स्टार्ट करूं, लेट्स मूव ऑन एंड जस्ट वेरी क्विकली एंड आई विल वेरी क्विकली चेक माई ऑडियो एंड वीडियो कि मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है या नहीं, एक बार अपन देख लेते हैं। आई विल शेयर द सेशन एज वेल। दोस्तों शेयर करो इस सेशन को, थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों के एंड से मिलेगा तो बड़ा मज़ा आएगा। वैसे हम डिसिप्लिन पर रिलाई करते हैं, मोटिवेशन का हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट डेफिनेटली आप लोग बड़ा क्विकली जो है देख लीजिए, बता दीजिए। ओके, आवाज़ देख लेते हैं सर। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ सेशन, तो आप लोग ज्वाइन कर लो फटाफट, आ जाओ। वी हैव अलॉट टू डू। आज हम एक और प्री इंडिपेंडेंस कमेटी करने वाले हैं और उस प्री इंडिपेंडेंस का नाम है हार्तोक कमेटी। यस, गुड मॉर्निंग स्मिता जी, गुड मॉर्निंग दीपिका जी, सबको गुड मॉर्निंग। एकदम बढ़िया, आप लोगों को गुड मॉर्निंग हो चुका है भाई। ग्रेट, एक्सीलेंट। गिव मी 1 सेकेंड बिफोर आई मूव प्रोसीड। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, एटम 2.0 आपको पता है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये पेड बैच जो होता है, इस पेड बैच के अंदर आपको सारी अपडेटेड सिलेबस मिलता है। अगर आप पेपर नंबर 2 चाहते हैं सिर्फ, तो आपको 9999 के अंदर मिल जाएगा विथ अपडेटेड क्लासेस। लाइव क्लासेस होती है अपडेटेड विथ हैंडबुक, हैंडबुक भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जा रहे हैं, जहाँ GRF अड्डा का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, एंड टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी इधर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे अवेलेबल। पेपर 1 और पेपर 2 अगर आपको चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाता हूँ शाम के 4 बजे, उसके लिए टेस्ट सीरीज, हैंडबुक और क्रैश कोर्स कंप्लीट पैकेज है ये 13999। मतलब कंप्लीट पैकेज, बहुत बड़ा कंप्लीट पैकेज है एटम 2.0। आप लोगों का बाय द वे वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक बड़ा क्विक रिवीजन करवाने वाला हूँ, पहले तो कि हमने क्या क्या करा है, एंड देन ऑफ कोर्स अपन आगे मूव ऑन करेंगे ये करने के लिए कि आज की जो हार्तोक कमेटी है उसे अपन करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने बात करी थी कि शुरुआत होती है ये पूरे ब्रिटिश काल की 1757 में, प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ, फिर 1764 के अंदर आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है, बक्सर के बाद में ड्यूअल रोल ऑफ बंगाल आता है, फिर 1770s के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके बाद 1793 के अंदर पहला चार्टर एक्ट आता है, 1813 के अंदर जो चार्टर्स एक्ट आता है उसमें 1,00,000 रुपए का सम दिया जाता है एजुकेशन को, ओरिएंटल एजुकेशन को, मिशनरी जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं उनको बनाने के लिए एकदम वहाँ से मतलब रूट्स डल जाती है 1813 के अंदर। और 1800 के अंदर फोर्ट विलियम अपना बन गया था जो सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करता था, लॉर्ड वेल्सली ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद में 1835 के अंदर होता है मैकॉलीज मिनट, जहाँ पे आपको पता है एक इनफेमस स्टेटमेंट भी निकल कर आता है कि आई वांट टू क्रिएट द इंडियंस हु आर ब्राउन इन स्किन एंड इंग्लिश इन टेस्ट। ठीक है, इसके बाद में 1854 के अंदर अपना एक और कमेटी आती है वुड्स डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, रॉबर्ट पिकेट, राइट। इसके बाद 1954 के बाद में अपना 1882 के अंदर अपना अगली कमेटी आती है। ठीक है, देन वी हैव 1904 के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी कमीशन आती है, राइट। फिर 1917 के अंदर अपना सैडलर कमीशन आता है, राइट। अब इसके बाद में आखिरी, अब 1917 हो चुका है, 1917 की पृष्ठभूमि मैंने आपको समझाई भी थी कि 1917 के अंदर ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के ऊपर ये चीज़ लागू करी गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के ऊपर ये चीज़ लागू करी गई थी। लेकिन अब जो बात होने वाली है वो थोड़ी हटके है, क्योंकि अब हम कुछ साल आगे आ गए हैं। अब दिस इज 1927, 10 साल बाद। अब 10 साल बाद क्या क्या हो चुका है, आइए समझ लेते हैं। तो 1917 के अंदर गांधी जी जस्ट आए ही थे, चीज़ें सब चली रही थी। फिर एक एक्ट आता है बड़ा ड्रेकोनियन एक्ट, जिसको कहते हैं राउलेट एक्ट। कहता है कि बिना किसी दलील के किसी भी आदमी को अगर वो क्रिमिनल पाया जाता है उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर इसके बाद में लड़ाइयाँ होती है, फिर काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं, देन हैपन्स द जनियावाला बाग, राइट।
ये इवेंट होता है। इसके बाद आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है अब तक, मैं 1927 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है और अब तक जो इंटेलेक्चुअल्स निकल कर आए हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है, वो अपने यूनिवर्सिटी में मतलब अपना भाषण दे रहे हैं और बढ़िया एकदम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। नेताजी बोस हैं, ठीक है, ऑफकोर्स गांधी जी ने अपनी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस पर अपनी जगड़ एकदम मजबूत कर ली है, वो माने हुए अब पॉलिटिशियन बन चुके हैं अगले 10 साल के अंदर और काफ़ी परेशानियां चल रही है। ठीक है, अब इस वक्त जब इतना सब कुछ और एक चीज़ और निकल कर आती है, उस वक्त एक चीज़ और पनप रही थी, HSRA हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, जहाँ से जिससे एसोसिएटेड हैं अपने महान भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद है ना, भगत सिंह है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये पूरे यूनिवर्सिटी के समय में ही निकल कर आते हैं, चाहे वो पंजाब का DAV कॉलेज हो या कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा हो, मतलब उस वक्त का पाकिस्तान, मतलब उस वक्त का इंडिया, आज का पाकिस्तान, वहाँ पे मतलब जिस लेवल की बातें हो रही थी, जिस लेवल पे आप मोटिवेट करा जा रहा था लोगों को कि आप जाइए और अपने भारत के बारे में बात करो, इस रिलेशन के अंदर एक कमेटी निकल कर आती है। उस कमेटी को आज अपन पढ़ने वाले, उस कमेटी का नाम है हार्टॉग कमेटी। और ये कब है, ये कब होता है, 1927 के अंदर। तो आइए समझते हैं कि हार्टॉग कमेटी क्या है, क्या नहीं है, एंड कोई भी आपको परेशानी हो पूछते चलिएगा डाउट के अंदर, सो वी कैन मूव, कीप मूविंग ऑन। ऑल राइट, ओके, हाउ आर यू सर, एजुकेशन कमीशन, यस मुस्कान शर्मा, आई एम एब्सोल्युटली ग्रेट, गुड मॉर्निंग सृष्टि, एक्सलेंट। सो बैकग्राउंड इन एंड फॉर्मेशन समझो सबसे पहले, तो आपको पता है ये बात कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद में बना था, 1927 के अंदर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने बोला, सब कुछ देखा और बोला कि मेरे भाई क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम, भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो एक काम करो उसको इम्प्रूव करो। तो ठीक है, इम्प्रूव करते हैं। तो उन्होंने एक एजुकेशनल कमीशन, मैं एक बार देख लेता हूँ इफ माई वॉइस इज ऑडिबल, एक सेकेंड, ठीक है, ओ ग्रेट। सो 1927 के अंदर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि मेरे दोस्त एक काम करते हैं, एक एजुकेशनल कमेटी आनी ज़रूरी है। तो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर एक और कमेटी बनती है जिसका नाम है हार्टॉग कमेटी, राइट। यूजुअली मैंने आपको बताया जो भी नाम होता है कमेटी का वो उसका चेयरपर्सन होता है, जैसे सैडलर है तो सैडलर जो थे वो चेयरपर्सन थे उस एक कमेटी के, सिमिलरली हार्टॉग है तो हार्टॉग चेयरपर्सन थे उस कमेटी के, ठीक है, राइट। अभी तक तो 1904 के अंदर और 1917 के अंदर दोनों के अंदर बातें हो रही थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की, कि विश्वविद्यालयों में कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए। इसके पहले 1882 में आखिरी बार बात हुई थी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की, उसके बाद तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात ही नहीं हुई, ठीक है। अब 1927 में कितने ही साल बाद एक अटेम्प्ट करा गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में चर्चा करी जाए, ठीक है, और इन्होंने हायर एजुकेशन को भी थोड़ा थोड़ा कवर करा। तो सबसे पहले तो इन्होंने देखो, जब भी कोई कमेटी बनाते हैं ना, तो चाहे आप कोई भी कमेटी बना रहे हो, आप कभी देखो, आप भी कभी ज़िंदगी में एक बड़े पौधे पे पद पे पहुँचोगे तब आपको भी कमेटी बनानी पड़ेगी, कमेटी आपको बैठानी पड़ेगी। सबसे पहले आप कमेटी में कभी भी रिकमेंडेशन पहले नहीं देते, आप हमेशा सबसे पहले फाइंडिंग्स निकालते हो कि एक्चुअली अभी असल हालात क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्लैश द पास्ट। पहले आपको भूतकाल और वर्तमान काल को समझना पड़ता है, उसके बाद आप अपना रिकमेंडेशन देते हो। ये जो RECC रिकमेंडेशन होता है ये आपका फ्यूचर बताता है कि आगे भविष्य काल में क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स निकाली जिससे इनको वर्तमान और भूतकाल का एक ज्ञान हुआ, ज्ञात हुआ, ये समझते हैं क्या। सबसे पहली मेजर फाइंडिंग थी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कि सबसे पहले तो हाई ड्रॉप आउट रेट्स हैं। इसका क्या मतलब होता है ड्रॉप आउट का? ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि सपोज करो ये एक बच्चा है, ये एक से पांचवीं तक पढ़ लिया, ठीक है, छठी क्लास के अंदर ये निकल गया सिक्स्थ क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप तो बोलोगे अरे सर नहीं नहीं, ये तो देखो बहुत ही अच्छी बात है, कितने लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट टू फिफ्थ में, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिक्स्थ में जा रहे हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर रहे, इसको क्या कहते हैं ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट हो जाना, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाना। तो हाई ड्रॉप आउट रेट क्या अच्छी बात है? नहीं है, खराब बात है, और खास करके एट द प्राइमरी लेवल पे ये तो और भी खराब बात है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई पूछे, हम लोग है ना इकोनॉमिक्स जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो
यूजुअली मैं यही बात करता हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम या पढ़ाते टाइम कि आपको कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दे रखी हो तो हमेशा उसका इम्प्लीकेशन सोचो। अगर आपका हायर आपका जो ड्रॉपआउट रेट है, अगर ड्रॉपआउट रेट है वो ज़्यादा है तो क्या होने वाला है, एक परेशानी हो जाएगी, और खास करके प्राइमरी लेवल पे। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब क्या है, सार क्या है इसका, हाई ड्रॉपआउट रेट का सार ये निकलता है कि अगर प्राइमरी लेवल पे बच्चे छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि चाइल्ड लेबर की समस्या हो सकती है। चाइल्ड लेबर मतलब कि छोटे बच्चे जो हैं वो अब जाके मजदूरी करेंगे, इसके अलावा क्यों निकलेंगे छोटे बच्चे। या फिर एक और रीज़न हो सकता है, वो रीज़न है चाइल्ड मैरिज, मतलब कि छोटे बच्चों का बाल विवाह हो रहा है। क्यों हो रहा है बाल विवाह भाई, एक छोटी बच्ची है 8 साल 10 साल की, उसको प्राइमरी एजुकेशन से निकाल लिया, उस वक्त यही होता था 11 साल शादी कर दी, ठीक है। तो ये जो स्टेटिस्टिक्स होता है ना, ये आपको बताता है चीज़ें, आपको इम्प्लीकेशंस पकड़ने पड़ते हैं। अच्छा, हायर ड्रॉपआउट रेट का मतलब ये हो सकता है, हायर ड्रॉपआउट रेट का मतलब ये भी हो सकता है, ऐसे करके, राइट। तो ये क्या कहता है, इट हाईलाइटेड द नीड फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स दैट वुड मेक प्राइमरी एजुकेशन मोर एक्सेसिबल एंड रेलिवेंट टू द मासेस। इन लोगों का ये भी मानना था कि इन बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग जो हायर एजुकेशन है वो होना चाहिए। अभी आप देखोगे आगे जब इन्होंने रिकमेंडेशन दिया तो इन्होंने बात करी, और पहले भी ये लोग बात कर चुके हैं वोकेशनल चीज़ों की, कि यार देखो ये लोग पढ़ाई लिखाई में कोई ऐसे मतलब ऑक्सफर्ड के स्कॉलर तो बनने नहीं रहे, है ना, ठीक है, दे वोंट बिकम एन अर्ल, राइट, दे वोंट बिकम अ स्कॉलर। इन लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारा करने के लिए कुछ कुछ लिटरेसी जो इम्पोर्टेंट है वोकेशनल, उन पर फोकस करो, ठीक है। ये तो प्राइमरी एजुकेशन की निकल के फाइंडिंग आई कि देखो एक बात तो ये है कि आपका जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। फिर ये तो प्राइमरी एजुकेशन फर्स्ट से फिफ्थ की बात हुई, अब आगे सेकेंडरी एजुकेशन, एम्फेसाइज्ड ऑन सेकेंडरी एजुकेशन लीडिंग टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर हाफ एजुकेटेड एंड दस अनसूटेबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। इट द कमिटी रिकमेंडेड अ फोकस ऑन वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग टू एड्रेस दिस इशू। आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से जो सेकेंडरी एजुकेशन पे एम्फेसिस बड़ा ज़्यादा मालूम पड़ता था, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते थे वो हाफ एजुकेटेड थे, आधे पढ़े लिखे थे और अनएम्प्लॉयबल थे, मतलब उनको आप जॉब नहीं दे सकते ऐसे, मतलब आधे पढ़े लिखे लोग कोई पॉइंट नहीं। हायर एजुकेशन में क्या नोट करा इन्होंने, इन्होंने नोट करा रैपिड एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड डिक्लाइन इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की जो कमी है वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, एक तो पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है कि भाई, एक तो इनका हिडन एजेंडा भी था कि भाई किस तरीके से यूनिवर्सिटी पे कंट्रोल लिया जाए, और दूसरा एक और था कि जो पढ़ाया जा रहा था वो अच्छा नहीं था, और जिस तरीके से कॉलेज चलाए जा रहे थे वो अच्छे नहीं थे, द क्वालिटी वॉज नॉट गुड। तो एक्चुअली दैट ट्रू ऑन बोथ स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिकल एजेंडा भी था यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने का, मैंने पहले वीडियोज में बताया भी है, और दूसरी बात एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एक्चुअली गिरे हुए भी थे, बहुत हालत ख़राब थी, और वो इसलिए थी क्योंकि एक तो लैक ऑफ फंडिंग, पैसे नहीं है तो चलाए कैसे कमिटी को या यूनिवर्सिटी को। दूसरी एक और बात थी कि कॉलेज चलाना कोई आसान बात नहीं है, आपने अगर कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं बना रखे कॉलेज के, अगर आपने कोई प्रेसिडेंट नहीं बना रखा कॉलेज का, प्रेसिडेंट मतलब एक आपने एक अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ रखी, तो इतनी आसानी से काम होने नहीं वाला, ठीक है। तो ये परेशानियां यहाँ पे थी, तीन चीज़ें निकल कर आती है कि प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा थी एक तो, सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर हायर जो हाफ एजुकेटेड लोग थे वो ज़्यादा थे, और जो अपना हायर एजुकेशन है उसमें एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की कमी थी, ये निकल के बातें सामने आई। अब रिकमेंडेशन क्या निकलते हैं, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का इंप्रूवमेंट के लिए क्या बात हुई। इन्होंने बोला इट रिकमेंडेड एक्सटेंडिंग द ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड मेकिंग इट मोर रेलेवेंट टू रूरल लाइफ टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स। अगर सबसे ज़्यादा शिक्षा की परेशानी गांव में है तो गांव से रेलेवेंट बनाओ उस पढ़ाई को। अब ये तो देखो बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं पर नहीं हुआ था। फिर एक और स्कीम आती है बाद में, गांधी जी लेकर आएंगे, मैं इस पर बाद में चर्चा करूँगा, जिसको कहते हैं वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, वर्धा जिसको बोला जाता था, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, ये क्या थी और इसके बारे में क्या विचार है मेरे,
और कैसे सवाल आते हैं यूजीसी नेट में, ये भी अपन देखने वाले हैं अगली क्लास में, पर अभी के लिए इसको रोक लेते हैं अपन इधर ही, ताकि मैं उस डायरेक्शन में स्ट्रे ना हो जाऊं। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में क्या हुआ कि गांव की लाइफ के रेलेवेंट में आपको प्राइमरी एजुकेशन बनाना है, और मेजर पर्पज़ क्या था, ड्रॉप आउट रेट्स कम करो यार, वो तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे पहले ही निकल जा रहे, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इन्होंने बोला दैट द कमिटी सजेस्टेड सेकेंडरी एजुकेशन शुड नॉट बी एक्सपेंडेड इनडिस्क्रिमिनेटली एंड शुड केटर मोर टू दोज कंटिन्यूइंग टू हायर एजुकेशन और रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। देखो, सरकार का सिर्फ इतना मत था कि लिटरेसी रेट बढ़ा दो। कैसे? लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग, एंड यू शुड नो राइटिंग, बस ये लिटरेसी रेट के मापदंड थे उस वक्त। ये जो चीजें, ये प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ही लोग सीख जाते हैं। सरकार का इतना ही कहना था सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन कर लो, सेकेंडरी में मत भेजो ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंडरी में हायर ड्रॉपआउट्स रखो, प्राइमरी में मत रखो, वरना पढ़े लिखे लोग लिटरेसी रेट कम हो जाएगी। ठीक है, दे शुड नॉट बी एक्सपेंडेड इनडिस्क्रिमिनेटली एंड शुड केटर मोर टू दोज कंटिन्यूइंग टू हायर एजुकेशन। मतलब कि ज्यादा एक्सपेंशन मत करो, चलने दो जैसा चल रहा है, एक्सपेंशन ज्यादा मत करो और वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम करो। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब उनको बताओ जो वोकेशनल चीजें होती है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट है वो बनाना सिखाओ उनको, ऐसी बातें करो। देखो, टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा इशू था बेरोजगारी। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों प्रॉब्लम था अंग्रेजी हुकूमत के लिए, जितने ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग होंगे, उतने ज्यादा बगावती सुर, मतलब कि रेवोल्यूशन होगा। लोग बैठे हैं, फ्री बैठे हैं तो चीजें सुनेंगे, रेवोल्यूशन होगा तो फिर ये लोग सड़क पे उतर जाएंगे, वायलेंस करने लगेंगे, जैसे कि साइमन कमीशन में हुआ था। तो वायलेंस ज्यादा बढ़ेगी तो फिर वही बात हुई कि प्रॉब्लम हो गई। तो साइमन कमीशन ने जब बैठ के हरतो कमीशन कमेटी का रिकमेंडेशन भी दिया था कि ऐसी कमेटी होनी चाहिए, वो इंडिकेशन इसीलिए था कि इन बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना तो ये वायलेंस बढ़ता रहेगा और जो ब्रिटिश एम्पायर है वो गिर जाएगा, ढह जाएगा। यू हैव टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, बेरोजगारी कम करनी पड़ेगी। तो बेरोजगारी कम करने के लिए हरतो कमेटी ने ये सजेशन निकाला कि वोकेशनल ट्रेनिंग बढ़ाओ ताकि बेरोजगारी कम हो, और बेरोजगारी कम होगी तो लोगों के पास समय ही नहीं होगा। आज बगावत और जागना क्या एक कॉरपोरेट स्लेव कर सकता है? नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं है। 9 से 5 नौकरी है, 6 बजे 7 बजे घर पे आ रहे हो, थक के सो जाते हो, कुछ पार्टी कर लेते हो, खत्म। या स्टूडेंट लाइफ है, तो जो सारे रेवोल्यूशनरी होते हैं वो स्टूडेंट लाइफ के अंदर ज्यादा निकलते हैं। आपने देखी होगी ये बात, आज तक के जितने भी रेवोल्यूशनरी, बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी निकले हैं वो यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट टाइम से निकले हैं। क्यों? खाली है, फ्री है। अगर उनको जॉब में बैठा देते, अगर मैं बोलता कि भाई देखो ऐसा है कि जो भी कोई रेवोल्यूशनरी, महान रेवोल्यूशनरी आए उनको एक काम करते हैं, उनको जॉब दे देते हैं, तो क्या वो बगावत करते? नहीं करते, टाइम ही नहीं होता उनके पास करने का। तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है कि सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए, डजंट मैटर कि ब्रिटिश हो कि कोई भी हो, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इकोनॉमिक्स पर्पस के लिए नहीं है, इसलिए भी है क्योंकि अगर वो ऐसी चीज करेंगे जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो बगावत होने के चांसेस बड़े कम होंगे। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा, एक लीबिया देश है, आपने देखो लीबिया हो या अपने मोहम्मद जो अपने गद्दाफी हुए, वो गद्दाफी के देश के अंदर कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं था, क्योंकि वो जानते थे अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा हुआ और चीजें अगर मैनेज नहीं हुई तो एक मिनट लगेगा और ये मेरे को सत्ता से बाहर निकाल देंगे। तानाशाह हमेशा बड़ा इनसिक्योर होता है अपने शासन के लिए, तो उसको पता है कि अपने सब्जेक्ट्स को कैसे रूल करना पड़ता है। सो दैट इज, यू नो, इट्स लाइक दैट। ठीक है, बेसिकली क्रिटिक्स यही कहते थे कि यार मजा नहीं आया कमेटी के रिकमेंडेशन को लेके, मतलब असल में पॉपुलेशन और इंडिया की डाइवर्स नीड को हिट नहीं करा। आइए आप लोगों के कॉमेंट्स देख लेते तब तक। हाँ, गुड मॉर्निंग बिट्टू जी, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है, आपको क्या अब तक समझ में आया? क्या आपको पूरा हिसाब किताब, पूरी पृष्ठभूमि समझ में आई कि इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं? प्लीज राइट +1 इफ यू हैव अंडरस्टूड इन द चैट, मेरे को थोड़ा वैलिडेशन दो भाई, मजा आए। और नहीं आया तो बोलो -1, फिर वापस समझाएंगे।
क्या आपको फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन समझ में आई कि क्या निकल के आया प्राइमरी से, क्या निकल कर आया सेकेंडरी से, और क्या निकल के आया हायर एजुकेशन पे, और उसके बाद क्या रिकमेंडेशन दिए गए अलग अलग लोगों के द्वारा? यस, गुड, मुस्कान कह रही है यस, एक्सीलेंट। और कोई है भाई जिसको समझ में आया, मजा आया, बताइए। मीर आसिफ कहते हैं प्लस वन, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। और बताओ भाई, बस दो जनों को समझ में आया टोटल, इतने लोग लाइव हो, बस दो ही जनों को समझ में आया क्या? सर गेट का पेपर दे सकते हैं आफ्टर मास्टर्स? हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल 100% दो ना। यू शुड गिव द गेट पेपर, मास्टर्स के बाद दे सकते हैं, बिल्कुल। ओके चलिए, समझ में आ गया, ग्रेट, एक्सीलेंट, लेट्स मूव ऑन। देखिए अब आपने पूरा हिसाब किताब देखा कि फाइंडिंग्स क्या थी, सब कुछ क्या था। अब यहाँ पे एक सवाल करो, लेट मी सी इफ यू कैन सी द क्वेश्चन, या आपको मैं दिख रहा हूँ, ज्यादा ही दिख रहा हूँ एक्चुअली। लेट मी रिमूव माई सेल्स अ लिटिल हियर, एक सेकंड, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ अपने आपको। आई थिंक दिस इज परफेक्ट, ये परफेक्ट है। अब आप मेरे को बताओ भाई इस सवाल का उत्तर कहाँ बताओगे, यहाँ लाइव चैट में बता दो या कॉमेंट कर दो। और जिन्होंने इस उत्तर का, इस सवाल का सही उत्तर दिया, उनके लिए हम एक सरप्राइज लेकर आएंगे, तो और कल की क्लास में लेकर आएंगे, तो टेंशन नॉट। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा कल की क्लास में। तो आई विल बी लुकिंग इन द कॉमेंट सेक्शन, लाइव चैट के अंदर नहीं, कॉमेंट सेक्शन के अंदर। लाइव चैट तो चली जाएगी, कॉमेंट सेक्शन रहेगा, तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना है और इस सवाल को आपको हल करना है। अगर आपको आज की क्लास 1929 के कमेटी के अंदर, मैंने 27 बोला था क्या पहले, आई थिंक मैंने 27 बोला था, हार्टो कमेटी 1929 के अंदर आई थी, और जो साइमन कमीशन है वो 1927 के अंदर आई थी, ठीक है, दो साल बाद में हार्टो कमेटी बनी थी। तो अगर वो मैंने शायद 1927 पहले लिख दिया तो माफी उसके लिए। कमेंट करके सरप्राइज जरूर अपना ले लीजिएगा कल की क्लास में। अपन मिलेंगे कल सुबह, आई विल मीट हियर एट 10:15 एंड बस मिलते हैं अगली क्लास में। इस होमवर्क क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। I will see you in the next class. धन्यवाद, thank you so much.